डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने जिला अस्पताल में किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। गलत नीति से हुए ट्रांसफर को लेकर राज्य सरकार का किया विरोध। अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की भी रही मौजूदगी। फिरोजाबाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान पर गलत नीति से हुए ट्रांसफर के विरोध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए सुबह 8 से 10 बजे तक राज्य सरकार का विरोध करते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान काफी तादाद में मरीज परेशान रहे। कार्य बहिष्कार में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों में डीपीए जिला मंत्री जगदीश कुमार, परिषद के अध्यक्ष सुभाष यादव, एक्स टेक्नीशियन देवेश शर्मा, पीके सिंह, डेंटल हाइजीन जय हनुमान, चीफ फार्मासिस्ट विजय सिंह, देवेंद्र सिंह, अरविंद राठौर, दीप कुमार, आलोक मिश्रा, वेद प्रकाश राठौर, राजेश गुप्ता, मनोज जैन, आर के सिंह, पंकज मिश्रा आदि मौजूद रहे। और किस तरह का प्रदर्शन है ये? गलत ट्रांसफर्स जितने भी हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है, और वृद्ध हैं, रिटायरमेंट के नज़दीक हैं 2 साल, और जिनको कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हीं के विरोध में हम लोग ऊपर जो शासन से जो आदेश हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ पर उन्हीं के आदेशानुसार टलते हैं। आज क्या प्रदर्शन, किस तरह का प्रदर्शन किया है? आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, और जो कि 26 से 30 तक चलेगा।